हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में गुणनखंड मींस फैक्टर बनाना सीखेंगे। गुणनखंड को अंग्रेजी में फैक्टर बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 6x² + 5x - 6 का गुणनखंड निकालें। तो इसका हमें गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको देखेंगे, ठीक। यहाँ पर क्या है, 6x², तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, मीन्स x² में किस चीज़ से गुणा किया गया है। तो यहाँ पे 6 से गुणा किया गया है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे जो लास्ट वाला डिजिट है इससे क्या करेंगे, x² के गुणांक में गुणा कर देंगे। तो 6 से 6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 6 = 36। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 36 नोट कर देंगे। अब इसके बाद में हम 36 का गुणनखंड निकालेंगे। तो हमें दो ऐसी संख्या को लेना है जिसका गुणा करने पे 36 आए, और उसी दोनों संख्या को जोड़ने या फिर घटाने पे यहाँ जो बीच में 5 है ये आना चाहिए, ठीक। तो चलिए हम सोचते हैं कि 36 लाने के लिए हमें किन दो अंकों का गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम 6 में 6 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 × 6 = 36, ठीक। अब क्या है रूल में कि अब 6 × 6 = 36 तो आ गया गुना करने पे। अब इन दोनों अंकों को हम जोड़ के या फिर घटा के देखते हैं कि 5 आता है कि नहीं। तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 5 है, मैच नहीं कर रहा है तो इसको छोड़ देंगे। अब 6 में से 6 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ पे 5 है, ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। तो इस फैक्टर को हम छोड़ देंगे, नहीं लेंगे। अब इसके बाद हम दूसरा कोई फैक्टर सोचते हैं 36 का। तो जैसे कि अगर हम 9 × 4 करते हैं तो 9 × 6 = 36 हो जाता है। अब देखिए इन दोनों का गुणा करने पे 36 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ के या घटा के देखते हैं कि 5 आता है कि नहीं आता है। तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 13। तो देखिए यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 5 है, मैच नहीं होगा। अब 9 में से 4 को घटा के देखते हैं तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5। तो देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये मैच कर रहा है। तो हम इस फैक्टर को लेंगे, यहाँ पे जो 9 × 4 है इसको हम ले लेंगे क्योंकि ये दोनों तरीके से मैच कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से लिखना है कि यहाँ पर 5 आ जाए और घटना भी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले 9 लिखेंगे, तो 9 − 4 करते हैं तो यहाँ पे 5 आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो 9 है यहाँ पे आगे हमें प्लस लगाना पड़ेगा। तो +9 − 4 करके इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 6x² है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे 6x², ठीक। इसके बाद में +9 − 4 करके लेना है इसमें, तो यहाँ पर +9x लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे x लगा है, −4x करेंगे, और लास्ट में क्या है, −6 है, तो −6 लिखेंगे, ठीक। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको दो भागों में बांट लेंगे। तो ये हमारा पहला भाग हो जाएगा और ये हमारा दूसरा भाग हो जाएगा, ठीक। अब 6x² + 9x में हमें कॉमन लेना है, तो सोचेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है। तो देखिए इसमें भी 3x आएगा, इसमें भी 3x आएगा। कॉमन का मतलब हुआ उभयनिष्ठ, और उभयनिष्ठ का मतलब ये हुआ कि दोनों में जो समान हो, ठीक। तो 3x को हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे। इसके बाद में 3x में हम किस चीज़ से गुणा करेंगे, तो 6x² आ जाएगा। तो अगर हम 2x से गुणा करते हैं तो 3x × 2x कितना हो जाएगा, 6x² हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में यहाँ पे हमें प्लस का साइन लगाना है। अब सोचना है कि 3x में हम किस चीज़ से गुणा करेंगे जो 9x आएगा। तो 3x में हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 9, और यहाँ पे 3 में x लगा है तो यहाँ पे x लगेगा। अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि हमें अब इस दोनों में इस तरीके से कॉमन लेना है कि बीच में जो यहाँ पर 2x + 3 है वो सेम सेम आ जाए। यहाँ पे देखिए −4x है और −6 है, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर 2 कॉमन लेते हैं तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे सबसे पहले। अब 2 लिखेंगे यहाँ पे
अब इसके बाद में दो में हम किस चीज़ से गुना करेंगे तो 4x होगा। तो 2x से अगर हम गुना करते हैं तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस दो गुना 2x कितना हो जाएगा, माइनस 4x, तो ये आ गया। अब इसके बाद में यहाँ पे माइनस 6 है, ठीक। तो हमें ये सोचना है कि माइनस 2 में हम किस चीज़ से गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस 6 आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें माइनस लाना है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्लस लगाएंगे, तभी यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगा। अब इसके बाद में दो में हम अगर 3 से गुना करते हैं तो 2 × 3 = 6 हो जाता है, तो ये मैच हो रहा है। अब देखिए यहाँ भी 2x प्लस 3 है, यहाँ भी 2x प्लस 3 है, तो ये हमारा मैच हो गया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ जो 3x माइनस 2 है इसको हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे 3x माइनस 2, इसमें कोष्ट लगा देंगे। अब इन दोनों में से कोई एक लिख देंगे तो 2x प्लस 3, इसमें भी कोष्ट लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 का गुणनखंड निकालें। तो चलिए हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो 2 है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इस लास्ट वाले 12 से x स्क्वायर के गुणांक में गुना कर देंगे। तो 12 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 2 = 24। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 24 नोट कर लेंगे। अब हमें दो ऐसी संख्या लेनी है जिसका गुणा करने पे 24 आए, और उसी दोनों संख्या को जोड़ने या फिर घटाने पे यहाँ पे जो 5 है ये आना चाहिए, ठीक। तो अब हम सोचते हैं कि किन दो अंकों का गुणा करेंगे जो 24 आ जाए। तो अगर हम 6 × 4 करते हैं तो 6 × 4 कितना हो जाता है, 24। तो देखिए ये गुणा करने पे तो 24 आ रहा है, अब इसको हम जोड़ के देखते हैं तो 6 × 4 कितना हो जाएगा, 10। तो देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो ये मैच नहीं हो रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। अब घटा के देखते हैं तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे देखिए 2 है, 5 है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस फैक्टर को छोड़ देंगे क्योंकि ये मैच ही नहीं कर रहा है। तो अब हम कोई दूसरा दो अंक लेते हैं जिसका गुणा करने पे 24 आए। तो अगर हम 8 × 3 लेते हैं तो 8 × 3 = 24। तो देखिए यहाँ पे गुणा करने पे ये 24 आ रहा है, अब इसको जोड़ते हैं तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ पे देखिए 11 है, 5 है, तो ये मैच नहीं हो रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। अब घटा के देखते हैं 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे देखिए घटाने पे मैच हो रहा है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो ये जो 8 और 3 है इसको हम क्या करेंगे, लेंगे। तो अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 8 और 3 है इसको हमें इस तरीके से लिखना है कि यहाँ पे तो 5 आए लेकिन 5 तो यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस में 5 आना चाहिए, ठीक। तो अगर हम माइनस 8 + 3 करेंगे तो यहाँ पे -5 आएगा, तो हम -8 + 3 करके इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 2x² यहाँ पे लिख लेंगे, 2x². अब हमें -8 + 3 करके बनाना है, तो -8x में है +3x, यहाँ पे लास्ट में -12 है तो -12 लिखेंगे, ठीक। अब इसको हम दो भागों में बांट लेंगे, ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया। अब इन दोनों में हमें कॉमन लेना है। तो देखिए 2x² माइनस 8x में क्या चीज़ कॉमन है, इसमें भी 2x है और इसमें भी 2x है, तो हम 2x को बाहर कर देंगे। अब ये सोचेंगे कि 2x में हम किस चीज़ से गुना करेंगे, तो यहाँ पे 2x² हो जाएगा। तो अगर हम x से गुना करते हैं तो यहाँ पे 2x² हो जा रहा है, तो हम यहाँ पे x लेंगे। अब इसके बाद में 8x लाना है, तो सोचेंगे कि 2x में हम किस चीज़ से गुना करेंगे जो 8x आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। तो 2x में अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 8x हो जाता है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। अब 3x माइनस 12 में हमें इस तरीके से कॉमन लेना है कि यहाँ जो x माइनस 4 है ये आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो प्लस में 3 यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों में से बाहर कर लेंगे। अब 3 में हम अगर x से गुना करते हैं तो यहाँ पे 3x हो जाएगा,
अब इसके बाद में यहाँ पे हमें माइनस 12 लाना है, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे सबसे पहले माइनस लगाएंगे, तभी प्लस माइनस माइनस होगा। अब इसके बाद में 3 में अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 12 आएगा, 3 4 12। अब देखिए यहाँ भी x माइनस 4 है, यहाँ भी x माइनस 4 है, ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये गुणनखंड हमारा बिल्कुल सही है। अब इसके बाद में 2x प्लस 3 को एक बार लिखेंगे, 2x प्लस 3, इसमें कोष्ट लगा देंगे। अब इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, x माइनस 4, इसमें भी कोष्ट लगा देंगे, तो 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 4 ये हमारा आंसर हो जाएगा।